जिसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी रही। राहुल गांधी ने श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। तो वहीं 145 दिनों पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में सभा का आयोजन किया गया। यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। हेलो, वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ भारत में आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि यह देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि ये सफल आयोजन सभी की बदौलत ही पूरा हो पाया है, क्योंकि जो तरह की तस्वीरें आज वहां से आ रही है, यूं उन्होंने कहा कि लग रहा है कि प्रकृति भी मानो आज उस क्लोजिंग सेरेमनी में अपना योगदान दे रही हो, क्योंकि वहां पर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग पैसे दे करके पहुँचते हैं, टूरिस्ट पहुँचते हैं, और यात्रा जब वहाँ पर पैदल पहुँच, उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर हुई, ध्वज फहराया गया और तस्वीरें आपको उस समय की भी दिखाई जब फुर्सत के पल भी निकाले गए और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हंसी ठिठोली भी करते हुए नजर आए। तेज ठंड के बीच में बर्फबारी वहां पर इस कदर जारी थी और भारी बर्फबारी के बीच दिग्गजों से मंच सजा हुआ नजर आया, क्योंकि शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में ये सभा और इस आयोजन की तस्वीरें जरा देखिए। छाता लिए हुए लोग खड़े हैं, बारिश से नहीं बच रहे हैं, बर्फबारी से बच रहे हैं, स्नोफॉल वहां पर जारी है और जो संकल्प लिया गया था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का, दक्षिण से शुरू हुई थी यात्रा 3950 किलोमीटर यानी कि 3570 किलोमीटर की रूपरेखा प्रस्तावित, लेकिन उससे भी 500 किलोमीटर आगे पहुंच।